मेरा नाम अर्जुन बिजलाल पाटिल, लोनखेड़ा, तहसील शहादा और डिस्ट्रिक्ट नंदुरबार, महाराष्ट्र से मैं आया हूँ। मुझे वहाँ पे हर रोज़ रात में 4-5 बार पेशाब के लिए जाना पड़ता था, यूरिन की तकलीफ़ थी, बाद में डाइजेशन का भी प्रॉब्लम था और घुटन में भी थोड़ा दर्द होता था। इसलिए यहाँ पे आने के बाद इतवार के दिन हम यहाँ एडमिट हुए 17 जनवरी 2022 को, और सोमवार से ट्रीटमेंट चालू किया। तो उसके बाद में डॉक्टर महेश साहब ने हमें अच्छी तरह सलाह दी और ट्रीटमेंट चालू किया। तो ट्रीटमेंट के बाद आज हमें अच्छी तरह रिजल्ट मिला है। उनके साथ आने वाले डॉक्टर जो है उन्होंने भी हमको अच्छी तरह से सलाह दिया, टाइम टू टाइम गोलियां लेने को बोला, और मसाज के लिए भी जो काम करने वाले लोग हैं वो भी अच्छी तरह मसाज करते हैं। और कल से घुटन में मसाज किया तो कल से घुटन में भी अच्छा महसूस होने लगा। डाइजेशन का प्रॉब्लम था तो डाइजेशन का भी अभी अच्छी तरह डाइजेशन भी हो रहा और भूख भी लग रही है। यानी भूख तो लगती थी पहले, लेकिन अभी यहाँ आने के बाद अच्छी तरह भूख लग रही है। और पेशाब में भी रात को खाली 1 या 2 बार जाना पड़ रहा, पहले 5 बार 4 बार जाना पड़ता था। इसी तरह मेरे तीनों घुटन दर्द भी अच्छा लगने लग गया और डाइजेशन भी बराबर हो रहा और पेशाब में भी कमी आ गई। डॉक्टर का यहाँ पे अच्छी तरह सलाह भी है, मार्गदर्शन भी अच्छी तरह दे रहे हैं। उसके बाद में स्वच्छता का बोलेंगे तो यहाँ टाप टिपना अच्छा है, दिन में कई बार झाड़ू करने वाले कर्मचारी आते हैं, वो भी साफ़ सफाई करते हैं। डॉक्टर लोग भी बराबर ख्याल रखते हैं, नर्सें भी आते हैं, वो भी टाइम टू टाइम बीपी चेक करते हैं और इस तरह बीपी कंट्रोल है कि नहीं वो भी देख के बताते हैं। उस तरह दवाई लिख देते हैं, दवाई लाने के बाद ट्रीटमेंट अगली चालू हो जाती है। इस तरह यहाँ आयुर्वेदिक पारुल हॉस्पिटल में अच्छी ट्रीटमेंट चल रही है, हमें तो अच्छा लग रहा। आज तक ऐसी ट्रीटमेंट हमने कभी की नहीं थी, लेकिन सलाह हमको दिया कि वहाँ पर जाके आओ तो वहाँ के अच्छी तरह से ट्रीटमेंट हो जाएंगे और उम्र के हिसाब से तुम अच्छे हो जाओगे। थैंक यू आयुर्वेदिक पारुल हॉस्पिटल बड़ौदा, इनके लिए मैं आभारी हूँ फिर से।